दोस्तों, वेलकम टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियन। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों, क्लास टेंथ जनरल साइंस यानी साइंस का जो क्लास टेंथ यूपी बोर्ड का बच्चों का पेपर हो रहा है, जो होने वाला है आपको 29 तारीख को। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताइए सर, मतलब कि सब्जेक्ट में जो दे रखा है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर ये दे रखे हैं टॉपिक, इन टॉपिक से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रकाश टॉपिक, जो प्रकाश चैप्टर था आपसा, उससे मैंने आपको 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। दोस्तों, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, जाकर के देख ले। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक, जी हाँ दोस्तों, आपके जनरल साइंस में जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक से मैं 15 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप कुछ करो या मत करो यार, लेकिन ये 15 क्वेश्चन जरूर करो यार। क्यों दोस्तों, क्यों 15 क्वेश्चन करोगे? क्योंकि देखो, ये जो 15 क्वेश्चन मैं बताया हूं ना, ये पूरे पेपर का निचोड़ समझ लो, एक तरह से आपके बुक का। ये 15 क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, तो समझ लो कि आपका 100% इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है वो क्या है, क्लियर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फंसेंगे यार, किसी न किसी सेट में फंसेंगे। अब वो सेट हो सकता है आपका भी हो, या हो सकता है किसी और का सेट हो, तो ये क्वेश्चन तो फंसने कंफर्म है। लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो जान लो कि आपके ये चैप्टर जो है वो क्या है, अच्छी तरह से क्लियर है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ज्ञात कीजिए। आपको आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिपथ का बाह्य प्रतिरोध धारा, परिपथ पहला ज्ञात करना, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। दूसरा ज्ञात करना आपको धारा I, क्या ज्ञात करना? धारा I का मान और बिंदु A तथा बीच के बीच का विभवांतर। यानी 3 क्वेश्चन आपको इसमें क्या करने, ज्ञात करने। ये आपका 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। जब मैं बात करता हूं तो दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए दे रखा है कि 1 मीटर लंबाई के एक चालक में 1.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी 1 मीटर लंबाई का चालक दे रखा है, उसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में यदि रख दिया जाए, कितने अंश पे? कोण 30 अंश के कोण पर रख दिया जाए, जिसका तीव्रता है, तीव्रता दे रखा है इतना, 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो, चालक पर लगने वाले बल। जी हाँ, एफ की ज्ञात करना है, एफ की ज्ञात करना है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं दोस्तों। देखिए लेंज का नियम, तो आपको पता होना चाहिए लेंज का नियम, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेंज का नियम हो गया। इसके नीचे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध। तो जी हाँ, बिल्कुल, बस सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स में आपको क्या करना, संबंध बता देना, ठीक है। लेंज का नियम एक लाइन का, ये आपको बता देना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक को इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रख दिया जाए, तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको एफ निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? एफ निकालना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है देखिए, ये देखिए इतना क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये इतना क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहेंगे कि ये क्या मजाक है यार, 15 क्वेश्चन का वादा करके इतने क्वेश्चन, नहीं, ये एक ही क्वेश्चन है। कैसे एक ही क्वेश्चन? देखिए इसमें कह रहा है विद्युत जनित्र यानी डायनमो क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सिद्धांत क्या है, किसी एक जनित्र का वर्णन कीजिए। आपका 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन कह लीजिए, या देखिए यहाँ पे लिखा है या, और यहाँ भी देखिए क्या लिखा है या, यहाँ भी देखिए क्या लिखा है या, कहने का मतलब ये कि ये एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो की रचना, कार्यविधि, सिद्धांत एवं सचित्र। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, ठीक है, यानी ये यदि आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो उसमें आपका ये भी तैयार हो जाएगा और ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ, ये क्वेश्चन देखिए दूसरा है। इसमें एक और क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये तो सबको पता होना चाहिए यार, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, मोस्ट। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने संबंधी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम, बाएं, क्लियर दोस्तों, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको इसमें बताना है। और ये नीचे वाला जो दे रखा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों की व्याख्या, तो ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो नीचे वाला भी आपका या करके ऑप्शन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों देखो, ये मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोग को चीजें प्रैक्टिस करनी है, यदि आपका ये चीजें प्रैक्टिस है, आपको तैयार है, तो समझ लीजिए कि आपका
इलेक्ट्रिक चैप्टर आपका क्या है, अच्छे से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है। अब इसमें देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन। देखो अब मैंने दो क्वेश्चन एक जैसे बना रखे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ऊपर भी देखो इस क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फैराडे के चुंबक की कहा गया, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो ये दे रखा ना फ्लेमिंग के बाएं, इस क्वेश्चन में ही दे रखा। तो सोचो सेम जैसे क्वेश्चन होगा, तो सोचो मैंने इसको पर्सनली इंपॉर्टेंट में भी लगाया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको इसको अलग से भी दिखाया। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिए आगे क्वेश्चन बात करता हूं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपको बताना है कि क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिखनी दोस्तों। ठीक है जी हाँ, तो आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा किए गए सारे वर्क और दिए गए सारे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। हम सब सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग सिर्फ आपके लिए बने हैं दोस्तों। आप बस सिर्फ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। पेपर के रिजल्ट आने तक दोस्तों हम आपको एक एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और आप उन नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सके इसके लिए साइड में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन के घंटे को क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, रेसवा एकेडमी आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा मात्रक बल तथा धारा के पदों में देना, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी आई होती है, इसका जो मात्रक क्या करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका जो मात्रक आपको क्या करना है, इसका मात्रक आपको बल तथा धारा के पदों में यानी एफ तथा आई के पदों में देना। ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता था मात्रक बल तथा धारा के पदों में लिखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात वही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए सॉरी ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है 1000 वाट सामर्थ, यानी पी दे दिया आपको 1000 वाट सामर्थ, वोल्ट एक विद्युत हीटर 250 वोल्ट, क्या दे रखा 250 वोल्ट के विद्युत मेंस में जोड़ दिया जाता है, गणना करनी आपको, क्या क्या गणना करनी, देखिए कह रहा है हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर का तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न उसमें ऊर्जा, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने वाले किलोवाट घंटा में ऊर्जा जो व्यय होगी उसको। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछा, यदि आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन देखिए यदि आपसे ये भी पूछेगा तब भी लगा लोगे, ये रहेगा सिर्फ तब भी लगा लोगे। इस तरह से दोस्तों मैंने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वही मैं लाया हूं, ताकि आपको जब आप ये 15 क्वेश्चन लगा लो तो आपको ये लगे कि मेरा तो इलेक्ट्रिक चैप्टर मुझे लग रहा है पूरा अच्छे से क्लियर है। जी हाँ, अच्छे से आपका क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, इसमें 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ देने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी, प्रतिरोध देखिए। अभी सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन यदि जो बच्चा लगा लेता है, जो ये क्वेश्चन लगा लेगा, उसी सेम टू सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो आप ये भी लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते। जी हाँ, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा, तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या और वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं विद्युत परिपथ व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय। जी हाँ, विद्युत परिपथ में जो व्यय सामर्थ्य होता है, यानी जो वहाँ पे सामर्थ्य जो व्यय होता है, उससे आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ वी वोल्ट विभवांतर आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो सामर्थ्य के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आएगा, ये आपका कम से कम 4 नंबर में आएगा, किसमें आएगा, 4 नंबर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चीज वही है, चाहे इसको करिए चाहे वही इसको करिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये ऑप्शन या करके दिया, सीधे कीजिए कि विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के, तो ये जो व्यंजन आप प्राप्त करोगे ना, ये जो व्यंजन, इसी का ये आपको नीचे दे रखा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, आगे की बात करते हैं, तो देखिए आगे आपको जो अगला क्वेश्चन है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ओम का नियम बताओ। यदि आप वैद्युत में ओम का नियम नहीं जानते हो, तो कि फिर आप क्या पढ़ाई करते हो, कुछ नहीं पढ़ाई करते यार। तब फिर ओम का नियम तो बच्चे की जुबान पे होना चाहिए। जी हाँ, बच्चों के जुबान पे होना चाहिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है पता है सभी को, ठीक है, बी बराबर आई स्क्वायर आर, बी बराबर बी इज प्रोपोर्शनल टू आई आर, ये ओम का नियम, सॉरी बी इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें आपको पता होना चाहिए ओम का नियम, दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, वोल्ट मीटर तथा अमीटर क्या है, क्या है वोल्ट मीटर बताइए कि क्या है और अमीटर बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा है, वोल्ट मीटर अमीटर होता क्या है, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, और एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक लाइन, एक एक नंबर के एक एक लाइन के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा आराम से। अब अगले क्वेश्चन की बात करते, देखिए आपको ये देखा, मैंने देखा यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मस्त क्वेश्चन लगा,
अगर एग्जामिनर जरा सा भी इस पे ध्यान देता है ना, तो पक्का मैं बता रहा हूँ 101% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूँ। यदि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन की तरफ आंख भी उठाया ना, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। कह रहा है परिपथ दे रखा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम दे रखा है, ज्ञात करना है संपूर्ण बाह्य प्रतिरोध धारा बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर। तो ये आपके रहा पास रहा सर्किट, और इस सर्किट से आपको ये चीजें निकालनी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रहे मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये एक सोल्यूशन लगा करके आप बहुत खुश हुए होंगे दोस्तों। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और SY Academy को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिजल्ट आने तक हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, कोई भी आपका क्वेश्चन पर्सनली फंसता है, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप अपना पर्सनली क्वेश्चन उस पर शेयर करिए, आपका उसको भी सोल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों। सारी व्यवस्था आप लोग के लिए उपलब्ध है, बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।